ठीक है। तो जैसे एमएस ऑफिस आपको मालूम है कंप्लीट पैकेज है ना, तो जिसमें हम एमएस वर्ड एक्सेल ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वर्ड यूज एमएस वर्ड यूज होता था डॉक्यूमेंटेशंस के लिए, और वर्ड प्रोसेसिंग एक एप्लीकेशन था, क्योंकि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एमएस एक्सेस और बहुत सारी जो ये एप्लीकेशंस हैं दीज आर द मेंबर ऑफ द एमएस ऑफिस, ठीक है। तो एक्सेल जो है जिसमें हम डेटाबेस में काम करते थे, बट आप बात करते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट जनरली यूज फॉर द मेकिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशंस। हमें जब प्रेजेंटेशंस बनानी होती है तब हम पावर पॉइंट की हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो पावर पॉइंट एक कह सकते हैं कि एमएस ऑफिस का एक ऐसा पैकेज है जो ऑलमोस्ट हर जगह पर यूज किया जाता है, आप हर जगह पर प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसको बहुत इफेक्टिव वे में भी यूज कर सकते हो, प्रेजेंटेशन में ही नहीं एनिमेशंस में भी अप्लाई कर सकते हो, कंप्लीट मल्टीमीडिया एक प्रेजेंटेशन पैकेज है हो सकते हैं आप उसके। डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन यू कि हाउ टू यूटिलाइज दिस एप्लीकेशन एंड दीज आर द एप्लीकेशन लाइक वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, वो डिपेंड फुल्ली आपके ऊपर करता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव देखिए, प्रेजेंटेशंस प्रोग्राम्स ऑब्जेक्टिव्स कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव कराएंगे। आइडेंटिफाई द बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ ऑफर्ड बाय द प्रेजेंटेशन प्रोग्राम्स, जो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के अंदर जो बेसिक फंक्शनलिटी होती है पहले सबसे पहले वो बताएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन हाउ टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट किया जाता है वो बताया जाएगा आपको, ठीक। उसके बाद आपको बताया जाएगा एड ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया टू अ प्रेजेंटेशन, क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने बताया कि प्रेजेंटेशन जो पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम मल्टीमीडिया वगैरह यूज कर सकते हैं, तो मल्टीमीडिया पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जनरली प्रेजेंटेशंस का यूज बनाने का मतलब होता है कि हम किसी को प्रेजेंटेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे, किसी को प्रेजेंट करना, ओके। यू हैव टू प्रेजेंट समथिंग टू द ऑडियंस, जो आपके सामने ऑडियंस बैठी होगी आप उसको क्या प्रेजेंट, किस वे में प्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, और कहां पर कर रहे हैं, किस किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं या किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। बट ऑलमोस्ट अगर यू हैव आइडिया, इफ यू हैव आइडिया डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज यू कैन क्रिएट, योर माइंड इज क्रिएटिव, आप क्रिएटिविटी काम करेगी यहाँ पर, माइंड काम करेगा यहाँ पर, और ये सब चीज़। और कंटेंट यू हैव टू कलेक्ट सो मेनी कंटेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि मूवी मेकर के अंदर भी कोई भी आपको एप्लीकेशन आप करते हो तो उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ कंटेंट्स होना चाहिए पहले, तभी आप उसमें आगे काम कर सकते हो। तो बेसिक फंक्शनलिटी जैसे आप यूज करोगे तो यूज करने के लिए यू हैव टू मेक अ सिचुएशन ऑफ दैट, तो अगर सिचुएशन नहीं बनती है उसके लिए तो आप प्रेजेंटेशन क्रिएट नहीं कर पाओगे, है ना। जैसे कि मल्टीमीडिया आपको चाहिए, ऑडियोस वगैरह चाहिए, म्यूजिक वगैरह चाहिए, फोटोग्राफ पिक्चर्स वगैरह चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, एंड द मेन मेन थिंग इज टॉपिक, वो टॉपिक होना चाहिए कि किसके ऊपर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज के लिए अगर आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन किस तरह का बना रहे हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है। ऐसे आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो प्रेजेंटेशन का टॉपिक क्या है और उस टॉपिक से रिलेटेड क्या आपके पास पूरा मटीरियल है, तो सब पहले आप क्या करोगे वो सब मटीरियल को कलेक्ट करेंगे, देन यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप अपना आइडियाज, क्रिएटिविटी और ये सब चीजें आप कलेक्ट भी कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक। तो एड ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया हम यूज करेंगे, आइडेंटिफाई द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल द प्रिंट प्रेजेंटेशन के डिफरेंट फॉर्मेट्स, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, नोट डाउन करोगे क्या इसको, कर लीजिए फास्ट से जल्दी से। नेक्स्ट बात करेंगे प्रेजेंटेशन प्रोग्राम सच एज अ पावर पॉइंट हेल्प यू टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, मतलब इसके अंदर आप ऑडियो विजुअल मटेरियल यूज कर सकते हो, मतलब जैसे बताया ग्राफिक यूज कर सकते हो, मल्टीमीडिया एलिमेंट्स यूज कर सकते हो इसके अंदर, एंड यू कैन आल्सो डिस्ट्रीब्यूट द प्रिंटेड कॉपीज कंटेनिंग द की पॉइंट्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन। मींस इफ सपोज यू वांट टू डिलीवर द प्रेजेंटेशन, अब देखो
प्रेजेंटेशन बड़ी बड़ी कंपनी देखा होगा आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है जब नया कोई चीज लॉन्च करती है, मान लो भाई मोबाइल कंपनी भी टेलीकॉम कंपनी भी होती है, देखा होगा कुछ नया चीज लॉन्च करती है तो क्या करती है प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर देती है। प्रेजेंटेशन डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है, जरूरी नहीं है कि प्रेजेंटेशन की एक सिर्फ हॉल में दिया जाएगा या से बताया जाएगा, प्रेजेंटेशन डिफरेंट फॉर्म आजकल डिजिटल फॉर्म में भी प्रेजेंटेशन होती है कि आपने प्रेजेंटेशन बना दी, उस प्रेजेंटेशन को वीडियो फॉर्म में मतलब सोशल मीडिया में डाल दिया, सोशल मीडिया में आपको पता है साथ ऑलमोस्ट सब लोग कनेक्टेड रहते हैं, वहां से प्रेजेंटेशन आपकी देख ली और जो उनको चाहिए था जैसे एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो टीवी वगैरह में या डिफरेंट प्लेसेस में, आजकल इंटरनेट के अंदर भी आप देखा होगा एडवर्टाइजमेंट आते हैं वेबसाइट को यूज करते हो आप, वही प्रेजेंटेशन का वे तरीका है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन का मतलब है ये जो आपको बता रहा हूँ, यू कैन ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट द प्रिंटेड कॉपीज का मतलब है कि जैसे आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो किसी को दे रहे हो तो बिफोर स्टार्ट द प्रेजेंटेशन या आफ्टर कंप्लीटिंग योर प्रेजेंटेशन यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट सम कॉपीज प्रिंटेड कॉपी टू द ऑडियंस। उससे क्या होगा जब ऑडियंस को आप प्रिंटेड कॉपी देंगे, पैम्पलेट्स, लीफलेट ये सब चीजें देंगे तो जब घर जाएगा लेके जाएगा उसको तो क्योंकि प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें हर चीज उसके दिमाग को फील नहीं होगा है ना, तो घर जाके देखा वो उसको दोबारा से देखा तो सब कुछ उसको रिमाइंड रिकॉल हो जाएगा सारी इंफॉर्मेशन। एंड अगर मान लो उसको कहीं दूसरे को बताना हो तो उसको इजी हो जाएगा या पैम्पलेट को दूसरे को दे सकता है, शेयर कर सकता है इन्फॉर्मेशन या अदर चीजें कर सकता है। ठीक है, तो ये चीजें भी हम पावर पॉइंट के अंदर कर सकते हैं, पावर पॉइंट के अंदर ही ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि पावर पॉइंट स्टार्ट कैसे करेंगे। तो ऑलमोस्ट देखा हुआ आप एमएस वर्ड किया हुआ आपने, एक्सेल किया हुआ है, तो वही वे है सेम वे कि एमएस ऑल प्रोग्राम के अंदर जाएंगे तो वहां ऑल प्रोग्राम के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फोल्डर ऑप्शन मिलेगा, ऑफिस का फोल्डर मिलेगा उसमें आप पावर पॉइंट 2007 ऑप्शन का 2007 वाला वर्जन में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसको क्लिक कर लेते हैं, या फिर आपको मालूम है कि सिंपली आप स्टार्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड देयर सर्च ऑप्शन एंड यू जस्ट राइट द पावर पॉइंट ऑन इट, डोंट राइट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जस्ट राइट द पावर पॉइंट एंड प्रेस द एंटर की टू ओपन योर पावर पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से भी आप ओपन कर सकते हैं और इस वे में भी आप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी इंस्टॉल प्रोग्राम होते हैं आपको पता है कि ऑल प्रोग्राम के अंदर वो आपको विजिबल होते हैं, दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डिस्प्ले करके एक पर्टिकुलर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जाते हुए आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जब प्रेजेंटेशंस आप बनाएंगे, लेकिन जब पहले आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ पावर पॉइंट का, जैसे आप मैं कह रहा था आपको अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कि मैंने और प्रोग्राम के अंदर गया। ठीक है, और प्रोग्राम के अंदर जाने के बाद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक फोल्डर देखने को मिलेगा आपको, देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसकी कैटेगरीज दिख रही है आपको, देखो इसकी डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज दिख रही है, दीज आर द मेंबर्स ऑफ द एमएस ऑफिस। ठीक है, तो आप यहां से पावर पॉइंट को यूज कर सकते हो जल्दी और अदर कैटेगरीज को देख सकते हो, तो जस्ट क्लिक करो आप, इस तरह से आपके सामने पावर पॉइंट का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर एक स्लाइड दिख रही है आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, एक सिंगल स्लाइड बाय ब्लैंक स्लाइड दिख रही है और ये डिफरेंट डिफरेंट इसके लेआउट आप सेट कर सकते हो, मैं अभी आपको पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये इंटरफेस है, अगर यही इंटरफेस अगर आपको नॉर्मली पर्टिकुलर इतना लॉन्ग वे में नहीं जाना है और प्रोग्राम और उसमें, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो यहाँ पर पावर पॉइंट लिख सकते हो, तो देखिए जैसे पावर पॉइंट लिखा है टॉप में आप देख सकते हो पावर पॉइंट आ गया, एंड जस्ट प्रेस एंटर की टू ओपन योर पावर पॉइंट इंटरफेस, सिंपल। ठीक है, तो इस वे में भी आप कर सकते हो, नॉर्मली आपको पता ही है ये चीजें कर ही रहे हो। ठीक है, तो आप बात करते हैं जब इंटरफेस में आएंगे तो सबसे पहले बात करते हैं व्यूज की, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के व्यू देखेंगे वहां पर। ठीक है, तो ये नॉर्मल व्यू में जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको, ये नॉर्मल व्यू प्रेजेंटेशन इनकी स्लाइड आपके नॉर्मल व्यू में दिखाई दे रही है। नॉर्मल व्यू में क्या होता है, यूजिंग नॉर्मल व्यू टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, तो नॉर्मल व्यू में जनरली हम लोग प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, नॉर्मल व्यू इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन वर्किंग एरिया, थ्री मेन वर्किंग एरिया में डिवाइड होता है, देख सकते हो आप 1, 2 एंड 3, थ्री वर्किंग एरिया में डिवाइड होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, और सिंगल में भी हो सकता है, थ्री वर्किंग एरिया में इसलिए डिवाइड होता है क्योंकि वन लेफ्ट यू हैव टू टैब्स स्लाइड्स एंड आउटलाइन, तो देख सकते हो ये स्लाइड है आपकी, यहाँ पर आउटलाइन व्यू दिख रहा है, मतलब आउटलाइन दिख रहे हैं और जितनी भी आप स्लाइड्स में हेडिंग डालोगे वो हेडिंग्स आउटलाइन फॉर्म में दिखेंगे, एंड देख सकते हो स्लाइड के नीचे कुछ आपको एक एरिया दिख रहा है
यहाँ पर आप रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन या स्लाइड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर डाल सकते हो, क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन करेंगे, प्रेजेंटेशन जब जरूरी नहीं जो प्रेजेंटेशन बना रहा है वही प्रेजेंटेशन करेगा, प्रेजेंट करेगा उसको, तो जब प्रेजेंट कोई दूसरा बना रहा है और प्रेजेंट कोई स्पीकर कोई दूसरा है, तो उस समय ये जो है इंफॉर्मेशन बहुत हेल्प करेगा उसकी इस स्लाइड को समझने के लिए कि इस स्लाइड के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है। तो दिस इज द एरिया वेयर यू कैन स्पेसिफाई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द दिस पर्टिकुलर स्लाइड, इस स्लाइड के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप यहां पर डाल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल व्यू, तो आप नॉर्मल व्यू व्यूज लिख लीजिए, सिर्फ नॉर्मल व्यू लिख लीजिए, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद थंबनेल व्यू, जैसा आपको दिख रहा है थंबनेल व्यू, तो थंबनेल ऑलमोस्ट सबको पता है आजकल डेट में कि थंबनेल मतलब बहुत सारी स्लाइड्स होती है, तो उनको सारी स्लाइडों को हम छोटे छोटे एक्चुअली पिक्चर के ग्राफिकल पिक्चर के फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं, उनको थंबनेल व्यू बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे देख सकते हैं, इस पहले आपको मैं प्रेजेंटेशंस इस ग्राफिकली दिखा बता रहा हूं, ये स्लाइड है, ये इंफॉर्मेशन है, और दीज आर द थंबनेल व्यूज। तो थंबनेल व्यू क्या होता है कि थंबनेल व्यू से इजी हो जाता है हमें किसी भी पर्टिकुलर स्लाइड में वर्क करना। मान लो हमारे बहुत सारी स्लाइड बनी, 20-30 स्लाइड्स बनी है, हमें पर्टिकुलर किसी स्लाइड में जाना है, तो हम उस पर्टिकुलर स्लाइड में स्किप कर सकते हैं फ्रॉम वन टू अनदर। दूसरा, अगर हमें थंबनेल दिख रहा है तो काफी हद तक हमें छोटे छोटे व्यूज भी दिख रहे हैं, हम इजिली उनका वॉकिंग भी कर सकते हैं, तो थंबनेल व्यू के ये बेनिफिट्स होता है। आप यहाँ पर देखो, व्यू द स्लाइड्स एंड थंबनेल, लेफ्ट मोस्ट पैन क्लिक द स्लाइड, ऑन द राइट साइड पैन डिस्प्ले अ लार्ज व्यू ऑफ द स्लाइड प्रेजेंटेशन, मतलब पावर पॉइंट का लार्ज व्यू दिख रहा है, और यहाँ पर लेफ्ट, तो ये वाला सिलेक्ट है, अभी देखो ये वाला सिलेक्ट है, इसका इसका स्लाइड दिख रहा है। अगर अगर आपको फिफ्थ वाला चाहिए आप इसको क्लिक करोगे तो ये वाला यहाँ पर दिख जाएगा। तो फास्ट में वर्क करने के लिए हम थंबनेल व्यू भी यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नोट्स एरिया व्यू। जैसे मैंने बताया कि जो कोई भी जो स्लाइड होता है उसका ये नोट एरिया व्यू होता है, एंड इस व्यू इस नोट एरिया में मैंने जैसे बताया कि आपको इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू दिस स्लाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एंड दिस इंफॉर्मेशन नोट्स एरिया दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट डिस्प्ले ऑन योर प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन में दिखाई नहीं देगा आपको, बट ये हेल्प करेगा जो स्पीकर प्रेजेंटर होगा उसके लिए हेल्प करेगा कि वो क्या इससे रिलेटेड चीजें हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी चीजें डाली है रिलेटेड टू दिस, तो प्रेजेंटर इसको वर्कआउट करेगा, होमवर्क करेगा इसके अंदर, और फिर प्रेजेंटेशन अपनी दे देगा, ठीक है। तो ये इससे बेनिफिट मिलता है, आप भी डाल सकते हो। मे बी बहुत सारे आपने प्रेजेंटेशन बना दिए और कभी इन फ्यूचर में आपको कोई प्रेजेंटेशन करनी प्रेजेंट करना पड़ गया कोई, तो आप भी शायद वो कंटेंट इंफॉर्मेशन भूल चुके होंगे शायद, तो आप नोट व्यू की हेल्प ले सकते हो, नोट एरिया में आप अपडेट और भी कर सकते हो इन फ्यूचर में, और इसके अंदर इसको देख के आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो और समझ सकते हो कि वो स्लाइड पर्टिकुलर स्लाइड क्या काम करती कर रही होगी, क्या उसको बताना चाह रहे होंगे, ठीक है। तो ये है हमारा कि नोट कैन बी कंटेंस एडिशनल टेक्स्ट दैट यू वांट टू रिफर टू ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशंस, ठीक है। तो प्रेजेंटेशंस के टाइम पे जो रिफर इंफॉर्मेशन की जा रही है वो नॉट एरिया होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर अभी जो थंबनेल दिख रहे थे आपके लेफ्ट हैंड पैन में छोटे छोटे, वो आपके अभी बड़े बड़े थोड़े से बड़े थंबनेल फॉर्म में दिख रहे हैं, कुछ ऐसे ही दिख रहा है, और जितनी भी स्लाइड्स हैं वो शॉर्टर फॉर्म में आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, है ना, हाइड कर सकते हो। जैसे सपोज करें काफी बार क्या होता है कि हमने 20 स्लाइड बनाई है बट प्रेजेंटेशन हमें क्या करना है सिर्फ 10 स्लाइड ही करनी है, बट वो 10 स्लाइड जो है वो अनसीक्वेंस है, मान लो फर्स्ट और सेकंड को करना है, फिर फिफ्थ और एट्थ को करना है, फिर नाइन्थ को करना है, लाइक दैट, ठीक है। तो अनसीक्वेंस में जब होता है तो हम स्लाइड शॉर्टर व्यू की हेल्प लेके उनको हाइड अनहाइड कर सकते हैं। अगर हम जिन जिन को हाइड कर देंगे वो सारा बता के आपको बताऊंगा, जब हाइड कर देंगे तो वो वाली जो स्लाइड्स होंगी वो प्रेजेंटेशन नहीं होंगी, या और भी बहुत सारी फीचर्स हैं जो कि स्लाइड शॉर्टर व्यू की हेल्प से हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें डिलीट करना हो डायरेक्टली तो हम यहीं से सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें स्लाइड शॉर्टर व्यू तो की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नोट पेज व्यू। जैसे आप देख पा रहे हो अभी अभी थोड़े पहले हमने नोट एरिया देखा था जहां पर हम इंफॉर्मेशन दे रहे थे, बट हमें नोट पेज यानी कि का पूरा व्यू देखना हो
तो ये आपकी स्लाइड है और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपने डाली थी नोट्स एरिया में, वो नोट्स एरिया की सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसको हम नोट एरिया व्यू बोलते हैं जनरली, ठीक है। तो देख सकते हो द नोट पेज व्यू डिस्प्ले अ स्लाइड अलोंग विद द नोट एरिया यूजिंग दिस व्यू टू एंटर टेक्स्ट पिक्चर टेबल्स इन द नोट एरिया। तो इसका मतलब कि हम नोट एरिया में ये सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट कंटेंट, पिक्चर्स वगैरह सब डाल सकते हैं। काफी बार ऐसे भी होता है कि हमें पिक्चर की रिक्वायरमेंट भी, तो हम यहां पर भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा नोट पेज। लास्ट बात करते हैं स्लाइड शो व्यू। तो जब आप अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लेते हैं, हालांकि ये स्लाइड शो व्यू तब यूज किया जाता है जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं प्रेजेंटेशन को, बट हमेशा जब भी हम क्रिएट करते हैं प्रेजेंटेशन, हम क्रिएट कर रहे होते हैं प्रेजेंटेशन, तो हमें भी खुद देखना होता है, चेक करना होता है बार बार कि अच्छा कि हमारा प्रेजेंटेशन दिखाई कैसे देगा। क्योंकि जब भी हम स्लाइड शो करेंगे तो आपका जो स्लाइड होगी वो स्लाइड फुल स्क्रीन में डिस्प्ले होगी। जैसे मैं अभी प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ तो फुल स्क्रीन में दिख रहा है आपको, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जब आप देखोगे, जब आप स्लाइड क्रिएट कर रहे होगे, बना रहे होगे, और वो कैसे दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, कैसे प्रेजेंट हो रहा है उसके अंदर, कैसे एनिमेशन अगर कुछ अप्लाई किए, मल्टीमीडिया यूज किया हुआ है। जैसे आप कोई मल्टीमीडिया यूज करोगे, यानी कि कोई जिप फाइल यूज करोगे, कोई वीडियो यूज करोगे, तो नॉर्मल फॉर्म में नहीं दिखाई देगा उसका प्रीव्यू। हो सकता है प्रीव्यू दिखे मगर आपको वो ऑब्जर्व मतलब पता नहीं लगेगा कि किस तरह से ये प्रेजेंट हो रहा होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको स्लाइड शो व्यू करना पड़ेगा। एंड द शॉर्टकट की ऑफ द स्लाइड शो ऑल्सो यू कैन राइट F5 की। If you press the F5 key to slide show your presentations, तो आपकी जितनी भी slides होंगी वो presentation होना start कर देंगे, ठीक है। और suppose करके अगर आप जब भी आप F5 key करेंगे, your presentation will show start from the first slide, पहली slide से start होगा, ठीक है। बट आप चाहते हो कि अच्छा आप fifth वाले slide में हो suppose, ठीक है, और fifth आप चाहते हो कि अच्छा fifth से ही slide में show देखूं, क्योंकि मैं तो अभी क्रिएट कर रहा हूँ अभी। सपोज आप क्रिएट कर रहे हो प्रेजेंटेशन को, आप चाह रहे हो कि 1-4 तो आप देख चुके हो क्योंकि देखते हुए आ रहे हो, आप फिफ्थ वाले में हो, फिफ्थ को आपने क्रिएट किया और चेक करना चाहते हो, तो जस्ट F5 की प्रेस करोगे तो फर्स्ट से स्टार्ट करेगा। बट नाउ यू हैव टू यूज होल्ड द शिफ्ट की, शिफ्ट की को होल्ड करिए, देन प्रेस द F की। जैसे ही आप शिफ्ट की को होल्ड करके F5 की प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट फ्रॉम द करेंट स्लाइड, जो करेंट स्लाइड होगी उस करेंट स्लाइड से वो स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। एंड दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था अभी, वो व्यूज कर रहा था। तो चलिए सीधा मैं आपको आप पावर पॉइंट में लेके चल रहा हूँ, वहां पर आपको डिस्कस करता हूँ कि पावर पॉइंट में क्या क्या चाहिए, कैसे आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली सर्च इंजन ने बताया यहाँ पर आपको पावर पॉइंट लिखना है और ये इंटरफेस आप, ठीक है, ये सिंपल इंटरफेस है। अब ये जो स्लाइड बन रही है, जैसे यहाँ पर एक सिंगल स्लाइड दिख रही है आपको, ये स्लाइड आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है, एक से ज्यादा बना सकते हो। हाउ टू इंसर्ट अदर स्लाइड्स, तो अगर कोई अगर स्लाइड आपको खोलनी हो, ओपन करनी हो, तो कैसे इंसर्ट करोगे आप? तो पहले तो जैसे बोल के यहाँ पर मैं टेक्स्ट में लिख देते हैं, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ और इसका सब टाइटल दे देते हैं, ठीक है। दैट मींस कि आप कुछ भी दे सकते हो, रन स्मार्ट गेट स्मार्ट, ठीक है। तो मैंने एक इसका सब टाइटल दे दिया, एड्रेस कुछ भी दे सकते हैं। तो नेशनल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और रन, आप जो भी मैं बताया आपको, फिर कि जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाओगे तो आपके दिमाग में वो टॉपिक होना चाहिए, या अगर दिमाग में नहीं है तो उस टॉपिक पे थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, होमवर्क कीजिएगा, कोई भी टॉपिक चूज कर लीजिए और अपनी जो रफ कॉपी यूज करते हो आप, उस रफ कॉपी में टॉपिक लीजिए, टॉपिक से रिलेटेड आप देखिए कि क्या उसके हम स्लाइड बना सकते हैं और कितनी स्लाइड बना सकते हैं और स्लाइड के अंदर क्या कंटेंट यूज कर सकते हैं। मे बी आइदर टेक्स्ट कंटेंट्स और इमेज कंटेंट्स, ऑडियो वीडियो विजुअल व्हाटएवर, आप जो भी कंटेंट है सब कुछ यूज कर सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर जिप फाइल और डिफरेंट टाइप की फॉर्मेट्स फाइल, इमेज फाइल भी यूज की जा सकती है, जैसे PNG फाइल्स होती है, JPG, BMP, GIF, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है।
तो जैसे मैंने यहाँ पर नेशनल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा, लर्न स्मार्ट गेट स्मार्ट कर लिखा, तो ये हमारा टेक्स्ट ऑलरेडी हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ दूसरी स्लाइड यहाँ पर इंसर्ट करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक आ रहा न्यू, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि वो न्यू स्लाइड जो आप यूज करोगे कैसे लेआउट चाहिए आपको, हो सकता है ये वाला लेआउट नहीं चाहिए उसका, तो मैं क्या करूंगा इस ड्रॉप डाउन में ये यहाँ पर आप दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करोगे तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हम नया इंसर्ट करना चाह रहे हैं स्लाइड, बाय डिफॉल्ट जब हमने पावर पॉइंट खोला था तो एक स्लाइड हमारे पास आई थी ब्लैंक, बट हम चाहते हैं कि इनमें से कोई लेआउट हम चूज करें खुद, क्योंकि हमारा जो प्रेजेंटेशन हम टॉपिक पर बना रहे हैं उसका लेआउट हम खुद डिसाइड करना चाहते हैं, कस्टमाइज सिलेक्शन करना चाहते हैं। तो आप इनमें से देखिए टाइटल स्लाइड जो फर्स्ट वाला देख रहे हैं आप वो बाय डिफॉल्ट आता है अपने आप, उसके बाद आप देख सकते हैं टाइटल एंड कंटेंट्स एंड सेक्शन हेडर्स टू कंटेंट्स कंपैरिजन टाइटल ओनली, तो देख सकते हो डिफरेंट टाइप के आपके दिख रहे हैं। अगर आप बिल्कुल ब्लैंक चाहोगे तो बिल्कुल ब्लैंक आ जाएगा विदाउट टेक्स्ट, तो आपको फिर टेक्स्ट इंसर्ट करने होंगे सब अपने आप, ठीक है। तो इनमें से जो भी आपको लेआउट चाहिए, मान लो मैं सेकंड वाला लेआउट यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो डिफरेंस देखिएगा और उसमें डिफरेंस भी देखिएगा आपको, देख सकते हैं जैसे मैंने सेकंड वाला किया तो हमारा सेकंड स्लाइड यहां पर बन गई और हमारा सिंपल एक्सपीरियंस एक ब्लैंक आया बट हमारा वाला आया जो हमने लेआउट चूज किया इसमें वाला आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या है, अब यहाँ पर दिख रहे हैं आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो इन ऑप्शन का मतलब है कि ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो उसके अंदर टाइटल के साथ, जैसे मैं टाइटल यूज करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं टाइटल नेशनल कोचिंग क्लासेस, ठीक है, और मैंने ये हेडिंग डाला है इसमें, और इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, मैं पॉइंट आउट करके दिखाता हूँ आपको। तो पहला आप देख सकते हो कि इंसर्ट टेबल, इफ सपोज यू वांट टू इंसर्ट अ टेबल देन यू हैव टू क्लिक दिस एंड डायरेक्टली यू कैन पुट योर कॉलम्स एंड रोज, तो जैसे रोज एंड कॉलम करोगे ऑटोमेटिकली उतनी टेबल्स आपके आ जाएगी, वैसे तो आप वैसे भी इंसर्ट से भी कर सकते हो बट डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो, उसके बाद ग्राफिक को चेंज कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट जो जैसे कि आपको मैंने बताया था MS Word में भी बताया Excel में स्मार्ट आर्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है आपको, ठीक है। अगर आप स्मार्ट आर्ट यूज करोगे तो वो बहुत इफेक्टिव होता है, क्यों, क्योंकि प्रेजेंटेशन करते समय हमें इसकी जो भी हम चीजें प्रेजेंट करना चाह रहे हैं चाहे हम नॉर्मली टेक्स्ट भी लिखना चाह रहे हैं तो स्मार्ट आर्ट के फॉर्म में लिखोगे तो ज्यादा इफेक्टिव लगेगा, आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा अभी। उसके अलावा यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करनी है डायरेक्टली यू कैन क्लिक दिस टू इंसर्ट योर पिक्चर, और उसके अलावा यहाँ पर क्लिप आर्ट यूज कर सकते हैं डायरेक्टली अगर आपके पास क्लिप आर्ट्स, अगर आपको पता है क्लिप आर्ट्स की गैलरी होती है एक एमएस ऑफिस की जिसके पास अपने आप बहुत सारी इमेजेस होते हैं क्लिप आर्ट फॉर्म में एंड डायरेक्टली यू कैन सर्च अ पर्टिकुलर टॉपिक पर्टिकुलर थिंग तो वो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर मीडिया भी इंसर्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स कि आप वीडियो वगैरह भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। म्यूजिक भी मीडिया के अंदर ऑडियो वीडियो दोनों ही आता है, ठीक है, वो सारी चीजें आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम नॉर्मल यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो पिक्चर इंसर्ट क्लिक करते हैं इसको और हमें कोई पिक्चर्स गैलरी में जाके सर्च कर लेते हैं, चलो सर्च कर लेते हैं पिक्चर्स भी इसके अंदर कि पिक्चर्स हैं कि नहीं, एनिमेशंस में जाके म्यूजिक में जाके कहीं हमें वीडियो पिक्चर दिख रही होगा तो पिक्चर में दिख रही है तो बाद में यूज करेंगे हम स्मार्ट आर्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट आर्ट में दिखा देते हैं मैं यहाँ पर इंडिकेट कर लेते हैं, तो देखिए मैंने इंडिकेट कर दिया स्मार्ट आर्ट की हेल्प ली और यहाँ पर डाल देते हैं तो क्लासेस 1 to 8 अब मैं टॉपिक के अकॉर्डिंगली यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है, तो क्लासेस 9 to 12 तो साइंस में हम डाल देते हैं फिजिक्स के बारे में ना, फिजिक्स नेक्स्ट में डाल लेते हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट
तो मैंने स्मार्ट आर्ट के थ्रू आपके सामने बनाया है और इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए आपको पता ही है, आप मैं इसका टूल का यूज ऑलरेडी मैंने करना बताया हुआ है आपको एमएस वर्ड के अंदर, तो आपको अच्छे से मालूम है और इसको और यूटिलाइज आप कर सकते हो यहाँ पर इफेक्टिव वे में, ठीक है। तो नॉर्मली मैंने इसको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर दिया है और इसमें और इफेक्ट डाल दिया है नेशनल कोचिंग क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने दो स्ट्राइक बना दी है और आप कितने भी इंसर्ट कर सकते हो। अब आप डिटेल करते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड दिख रहा है आपको स्लाइड का वो बिल्कुल व्हाइट है, ब्लैंक व्हाइट है। अब हम क्या करते हैं इसमें डिजाइन इफेक्ट डालते हैं, तो ठीक है। तो हम फर्स्ट वाले स्लाइड में आते हैं और सिंपली आपको क्या करना है, जब फर्स्ट वाली स्लाइड में आओगे आप, यहाँ पर आप देख सकते हो डिजाइन टैब दिख रहा है ना। आप डिजाइन टैब पर क्लिक करिए और जैसे आप देखेंगे यहाँ पर थीम्स आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थीम्स दिखाई दे रहे हैं। आप नीचे करके इसको बहुत सारे आपको दिखेंगे, जिस तरह की थीम्स आप सिलेक्ट करोगे ना वो थीम्स आपके ही वहाँ पर सेट हो जाएगी। आप जिस तरह की भी थीम सिलेक्ट करोगे, तो जैसे मैंने ये वाला थीम अभी आपके सामने देखो सिलेक्ट किया, या मैं कुछ और चेंज कर देता हूँ। देखिए मैंने ये वाला चेंज कर दिया फिलहाल, तो देख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब हम चलो इतना ही अभी देखते हैं और इसको हम प्रेजेंटेशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब व्यूज की बात करते हैं, डिफरेंट व्यू भी पहले चेक कर लेते हैं कि क्या डिफरेंट व्यूज होते हैं इसमें, ठीक है। तो व्यूज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर व्यू में जाना पड़ेगा, व्यू टैब दिख रहा है आपको, तो व्यू टैब में आप देख सकते हो अभी हम नॉर्मल व्यू में काम कर रहे हैं, फर्स्ट वाला आपका सिलेक्ट है, ठीक है। तो नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट पेज व्यू, स्लाइड शो व्यू आप देख सकते हो कंटिन्यू वहां पर दिख रहे हैं। उसके अलावा हैंडआउट मास्टर्स, नोट मास्टर्स, स्लाइड मास्टर, ये सब चीज क्या होती है वो सारी चीजें आपको क्लासेस में डिस्कस की जाएगी, ठीक है। तो अभी हम नॉर्मल व्यू में देख रहे हैं कि अगर हमें स्लाइड शो करना हो या अदर में जाना, जैसे स्लाइड शॉर्टर में जाना है, तो आप यू जस्ट क्लिक दिस स्लाइड शो शॉर्टर, तो देख सकते हो आप हमारे पास दो ही स्लाइड बनाई है अभी हमने, तो दो स्लाइड हमारे स्क्रीन में दिखाई दे रही है, ठीक है। थोड़ा डार्क दिख रहा है तो मैं डिजाइन चेंज कर लेता हूं, ठीक है, नॉर्मल में थोड़ा सा लाइट वाला कर देता हूं, ठीक है। ये वाला प्रेजेंटेशन सेलेक्ट कर लिया हमने, तो ये देख सकते हो आप स्लाइड शॉर्टर व्यू में। अगर नोट पेज व्यू देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि नोट पेज व्यू है ये, अभी आपको दिखा रहा था प्रेजेंटेशन में, और यहां पर आपकी स्लाइड दिख रही है और इससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन यहां पर डाल सकते हो, आइदर टेक्स्ट, इमेजेस और अदर भी आप डाल सकते हो, ठीक है, संबंधित। उसके अलावा यहां पर आप फाइनली जब हम कंप्लीट हमारा व्यू हो जाएगा तो यू हैव टू प्रेस द F5 की, या फिर आपको पता ही है व्यू में मैं जैसे मैंने बोला स्लाइड शो पे क्लिक कर सकते हो आप, अदरवाइज F5 की प्रेस करोगे तो आपके सामने फुल स्क्रीन में देख सकते हो अभी आपके जो हमने बनाया है वो फुल स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हम जैसे प्रेस एंटर की करेंगे हमारा नेक्स्ट वाला स्लाइड दिख रहा है, जबकि हमने अभी दो ही स्लाइड बनाए हैं, और जैसे ही हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो एंड हो जाएगा हमारा स्लाइड, क्योंकि दो ही स्लाइड बने और वापस हम अपने नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि दूसरा वाला एक बताया था मैंने, इफ यू आर करेंटली इन सेकंड स्लाइड और आपको स्लाइड सेकंड ही है प्रेजेंटेशन करना है, जैसे मैं अगर इस सिचुएशन में F5 की भी प्रेस करूंगा तो फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा, देखो फर्स्ट वाला स्लाइड दिखा रहा है, बट हमें इस समय करेंट में हम किस में है, सेकंड स्लाइड में, और हम चाहते हैं सेकंड स्लाइड में वर्किंग कर रहे हैं तो सेकंड स्लाइड ही शो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप क्या करो, तब शिफ्ट करने से बताया था अभी, शिफ्ट करके F5 की प्रेस करेंगे, हमने कुछ भी अभी अप्लाई नहीं किया, नॉर्मल एक प्रेजेंटेशन अभी स्लाइड बनाई है, ठीक है। तो चलिए बैक आते हैं, ठीक है, तो हम इसमें इफेक्ट डालते हैं, तो इसमें इफेक्ट डाल सकते हो आप। सबसे पहले हम ट्रांजिशन इफेक्ट डालना बताता हूँ कि ट्रांजिशन इफेक्ट कैसे डाले जाते हैं किसी भी स्लाइड के ऊपर। आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट दिख रहे हैं, जैसे एनिमेशन में क्लिक करोगे। ट्रांजिशन इफेक्ट क्या होते हैं, दो तरह के हम इफेक्ट डालते हैं, एक ट्रांजिशन इफेक्ट, एक एनिमेशन इफेक्ट, ठीक है। ट्रांजिशन इफेक्ट जो होता है वो स्लाइड के ऊपर डाला जाता है, मतलब कि स्लाइड को अगर हमें मे बी जब प्रेजेंटेशन हो तो स्लाइड क्या हो, प्रेजेंट होके आए, अभी क्या हो रहा है कुछ भी नहीं प्रेजेंट हो रहा है उसमें, स्लाइड हम डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं उसको, ठीक है। दूसरा
डिपेंड करता है कि जो स्लाइड्स के ऊपर हमने टेक्स्ट यूज किया हुआ है, इमेज यूज किया हुआ है, वॉइस आर्ट यूज किया, स्मार्ट आर्ट यूज किया हुआ है, उसको हम कैसे प्रेजेंट कराना चाहते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पहले स्लाइड प्रोजेक्शन कैसे होगा। आपको एनिमेशन टैब के ऊपर क्लिक करना होगा। एनिमेशन टैब को क्लिक करने के बाद आपके सामने देखो बहुत सारे स्लाइड ट्रांजिशंस आ रहे हैं। आप इन स्लाइड ट्रांजिशंस से कोई भी सिलेक्ट कर लो तो आप यहाँ पर प्रीव्यू भी देख पाओगे, साथ साथ देख सकते हो इस तरह के इफेक्ट्स आपके ट्रांजिशंस इफेक्ट आपके प्रेजेंटेशन में दिख रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो। तो आप इनमें से जो भी आप यूज करना चाहें वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने अभी ये वाला यूज कर दिया, ये वाला इफेक्ट यूज किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एप्लीकेबल हो रहा है फर्स्ट स्लाइड के लिए हो रहा है सिर्फ, क्योंकि हमने फर्स्ट लाइन ही सिलेक्ट की हुई है। बट अगर आप अप्लाई टू ऑल कर दोगे ना, यहाँ पर ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल, तो जितनी भी स्लाइड्स होंगी, मोर देन वन स्लाइड जितनी भी होगी